मंदिर का सुधार ये साधु समाज करने आया है ये कोई इन्होंने गलत ये सारी दुनिया को ये बोला है कि ये कब्जा करने आए हैं ये कब्जा करने नहीं आए ये इस मंदिर की सुधार के लिए आए हैं जिनों, जिन जिन्होंने हमारे गुरु महाराज को यहाँ बिठाया थे उन उन्हीं की तरफ से आए हैं इनको चुना गया यहाँ की मानती दी गई है इनको अत्याचार इन पर किया था जिसको भी हम यहाँ बैठाते हैं उनके खून ऐसे कई साधु उन्होंने ऐसे डांगे मार मार के चला दिए हैं तो हम ये विनती करते हैं कि इस मंदिर के सुधार के लिए जनता सामने आए हम 20 साल से रह रहे हैं हमारी गलती बताए जो भी यहाँ पे सेवक है वो सामने आए इस बच्ची की गलती बताए कि इसने यहाँ पे 20 साल में क्या गलती करी है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है लेकिन हमें ये कमरा खाली चाहिए नशोड़ों का अड्डा बना रखा है यहाँ चिट्टा बिकता है सब कुछ सारे बिजनेस होते हैं क्योंकि अंदर कैमरे नहीं लगे हुए हैं बाहर ये कुछ नहीं करते अंदर आते हैं बारह बारह एक बजे तक नशे करते हैं फिर साधु समाज पर हमला करवाते हैं ये चाहते हैं कि ये अंदर से यही बोलते हैं कि इनको ऐसे नहीं जाते इनको मार कीट के ऐसे भगाओ इनको तो मैं ये विनती करती हूँ कि हमें इंसाफ दे प्रशासक के आगे भी विनती करती हूँ हमारे दुश्मन नहीं है वो लेकिन मैं विनती करती हूँ कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं तो मैं भी किसी की बेटी हूँ आगे आए पुलिस पुल प्रशासक सामने आगे इस बच्ची को इंसाफ दे साधु समाज को इंसाफ दे जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है और हमारा कमरा खाली करके दिया जाए जय श्री राम मेरा महंत बालकनाथ पंथ राम का साधु मैं प्राचीन भैरव मंदिर का योगी महासभा की तरफ से नाथ संप्रदा हमारे पीर जो पंचमनाथ जी नौर श्रीमत पीर हरिनाथ जी अठारह बारह के महंत कृष्णनाथ जी हर महंत सेवानाथ जी इनको भी एक बारह पंथ ने हमारे को चुनकर यहाँ भेजा है जो यहाँ शरारती तत्व तो पहले रहते थे उन्होंने नशे के अड्डा बना रखा था यहाँ दारू शराब मीट अंडा सब यहाँ के सफाई कोई मंदिर की नहीं थी सुविधा तो शहरवासियों ने ना संप्रदा ने शिकायत करी एक मुख्य कार्यालय है हमारा हरिद्वार अरे जो ज्वाला जी जो उनके चुनाव के हिसाब में हमारे को यहाँ भेजा गया पूरी नाच संप्रदा आई थी हमारे को चुने गया प्रशासन एक बार पहले भी इकट्ठा आया था प्रशासन ने कहा था महाराज जी जो चिट्ठी ले आएंगे ऊपर से नाथ संप्रदाय से उसी को मंत्रगति का चुना जाएगा हम वो भी ले आए हैं प्रशासन ने कोई न्याय नहीं दवाया रात जो होया हमारे साथ घटना रात को ऐसे हुई जी अंदर दारू शराब में तांडा पी रहे थे बहुत पुठा सीधा बोल रहे थे वो आके यहाँ गाली गुड़ी काटने लगे ईटे पट्टे मारने लगे उनको बोला बच्चा मंदिर का काम है मंदिर कोई मूर्ति खंडर हो जाएगी ठीक नहीं चले जाओ उन्होंने ले आके फिर कुत्तों को मारने लगे भी किसी को तो उन्होंने ले कर मारे को ईंट मारा मेरे को यहाँ कोई गुप्त चीज़ ऐसी मारी है जो मेरे को चार पाँच टांके भी लगे हैं क्या और मारे को जीवन मार के भी धमकी देखे गए हमारे सी कैमरे भी है वीडियो आडियो भी है मैं पहले भी प्रशासन को कई बार भी मेरे को तो खतरा है जी पूरा जो दुर्गाणा मंदिर है प्राचीन भैरव मंदिर है ये इनको सबको पता है यहाँ का भी ऊपर से नाथ जी आ रहे हैं सनातन धर्म योगी मास मास से आ रहे हैं नाथ संप्रदाय की मर्यादा से आ रहे हैं तो रात उनको हमने कंप्लेट लिखवाई है डॉक्टरी भी करवाई है तो एक बंदे को पकड़ा है सुबह का एक बंदा अभी भी कमरे में बैठा है कुछ भगोड़े हो रहे हैं यहाँ से तो उनको प्रशासन ध्यान से पकड़ नहीं रहा है प्रशासन गह गुनी कर रहा है प्रशासन रात यहाँ भी गाड़ी लगी हुई थी आए नहीं जब पूरी चोटे फेटे लग गई खून खान हो गया Are you? Huh? Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment, and share.